सोलन में ग्राम स्वराज अभियान के तहत आजीविका कौशल विकास मेले का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं के मार्गदर्शन के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के स्टॉल लगाए गए। इस मेले का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने शुभारंभ किया। मेले में युवाओं को जागरूक करने के लिए विशेष वक्ताओं को भी आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उनका मार्गदर्शन किया। मेले में भारी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने इस मेले का भरपूर फायदा उठाया। अधिक जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा कि आज ग्राम स्वराज अभियान का समापन हुआ है और समापन समारोह में आजीविका कौशल विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करना था ताकि वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने में अपना सहयोग दे सकें। उन्होंने कहा कि नव भारत निर्माण के सपने और भारत को विश्व गुरु बनाने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, ताकि युवा सरकारी नौकरियों की ओर भागने की बजाय वह स्वयं उद्यमी बने और युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध करवाएं। वहीं इस कार्यशाला में स्कूली विद्यार्थियों को बुलाकर भारी भीड़ दिखाने का प्रयास किया गया, जिसके चलते वहां वद इंतजामी में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। बच्चों को सुबह 10 बजे ही कार्यक्रम स्थल पर बुला लिया गया था, जो गर्मी के मौसम में भूखे प्यासे एक बंद हॉल में नजर आए। वहीं जो कार्यक्रम 11 बजे आरंभ होना था वो करीबन विधिवत 1 बजे आरंभ हुआ, जिसमें युवा मोटिवेट होने की बजाय निराश दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से और उनका जो विजन है नव भारत निर्माण का, भारत को विश्वगुरु बनाने का, और इस हेतु से उन्होंने विभिन्न योजनाएं जो चालू की हैं इस देश के अंदर, वो योजनाएं जो हैं युवा वर्ग को उन योजनाओं के विषय में पता लगे, उद्यमिता की भावना एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो उसकी भावना जो है वो युवाओं के अंदर पैदा हो। मुझे पढ़ने के बाद सरकारी नौकरी नहीं करनी है, मैं भी स्वरोजगार को अपना करके, मैं भी उद्यमिता को अपना करके अपना तो पालन पोषण करूंगा ही करूंगा, लेकिन साथ में अन्य बेरोजगार लोगों को भी मैं रोजगार दूंगा। ये सोच पैदा करना, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना, इस प्रकार की जो ये अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, इन योजनाओं के बारे में युवाओं को बताना इस कार्यशाला का उद्देश्य था। सोलन से अमरप्रीत पुंज की रिपोर्ट।